मध्य प्रदेश के रतलाम में मां लक्ष्मी का एक मंदिर ऐसा भी है जहां दिवाली के मौके पर कुबेर का खजाना सजता है। हजारों श्रद्धालु यहां करोड़ों रुपए का चढ़ावा रखते हैं, जिसे दिवाली के बाद वापस लौटा दिया जाता है। सोने और चांदी की सिल्लियों के साथ भी नोटों की गड्डी के ढेर ऐसे कि देखते वाले देखते ही रह जाएं। देखिए ये खास रिपोर्ट। कुबेर का यह खजाना रतलाम के प्रसिद्ध महालक्ष्मी मंदिर का, जो प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में कुबेर के खजाने के नाम से जाना जाता है। कुबेर का खजाना इसलिए क्योंकि इस मंदिर में दिवाली के मौके पर सजाया जाता है कुबेर का खजाना, जिसमें रुपयों पैसों के साथ ही सोने चांदी और हीरे जवाहरात के ढेर रखे जाते हैं। ऐसा खजाना जिसे देखने के लिए लोगों की लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं। इस खजाने को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। दरअसल माणक चौक स्थित महालक्ष्मी मंदिर में श्रद्धालु दिवाली से पहले जेवर और नकदी भेंट करते हैं। इन जमा हुए आभूषणों से दिवाली के पांचों दिनों तक महालक्ष्मी का श्रृंगार किया जाता है। उसमें वैभव लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, यानी सभी नौ दुर्गा माँ, और ये रतलाम शहर का प्रसिद्ध महालक्ष्मी जी का मंदिर, और यहाँ पूर्व यानी महाराजा रतन सिंह जी के जमाने से पूर्व में यहाँ लाके और खजाना रखते थे, जिससे धन विभव बढ़ता है। और आज धनतेरस के दिन यहाँ प्रसिद्ध यानी सभी माता बहने आस्था लेकर धन पोटली का जो वितरण महालक्ष्मी के मंदिर से जो किया जाता है, उसके लिए ये सनातन धर्म की आस्था है, उसका प्रतीक है। एमपी के रतलाम का यह प्रसिद्ध महालक्ष्मी मंदिर बेशकीमती जेवरों और लाखों रुपए के नोटों से सजता है। यहाँ पर धन की देवी के लिए 50 रुपए से लेकर 500 रुपए तक के नोटों से खास वंदनवार बनाए जाते हैं। इस बार माँ के दरबार में सजाए गए चांदी के हाथी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। यह परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है, जिसका निर्वहन आज भी रतलाम के लोग बढ़ चढ़कर कर रहे हैं। इस बार भी श्रद्धालु बड़े उत्साह के साथ अपनी गाढ़ी कमाई का धन मंदिर में रखने पहुंचे हैं। लोगों का मानना है कि ऐसा करने से उनके घरों में हमेशा मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। यही वजह है कि ये सिलसिला सालों से चला आ रहा है। श्रद्धालु सोने चांदी की सिल्लियों सहित नोटों की गड्डियों के ये थाल सजाकर मंदिरों में पहुंचे हैं। इस धन का बाकायदा रिकॉर्ड रखकर लोगों को दिवाली के बाद वापस मिल जाएगा, जिसे श्रद्धालु लकी चार्म मानकर खर्च भी नहीं करते हैं और अपनी तिजोरियों में संभाल कर रखते हैं। यहाँ पे महालक्ष्मी मंदिर के यहाँ पे नोटों से सजाया जाता है, और यहाँ से पुरानी ऐसी आस्था है कि यहाँ से अपने को धन की पोटली मिलती है, और वो अगर अपने अपने अलमारी के मतलब कुबेर के किनारे में रखते हैं, और महालक्ष्मी अपने से प्रसन्न होती है और अपने को बहुत भंडारा भरती है। ये आज से नहीं, बहुत इसी विधान से ये चला हुआ आया है, बहुत टाइम से ये ऐसी बातें सब चले आ रही है, और ये महालक्ष्मी का ये सब बहुत इतना मानते हैं कि लोग कहाँ कहाँ से यहाँ पे भंडारा भरवाने आते हैं, कहाँ कहाँ से अपने धनिया रखने आते हैं, और फिर धनिया रखकर और वापस लेकर जाते। जब मंदिर में करोड़ों रुपए का चढ़ावा चढ़ता है तो सुरक्षा के इंतजाम भी पुख्ता किए जाते हैं। यहाँ 8 सीसीटीवी कैमरों की मदद से हर शख्स पर निगरानी रखी जाती है। वहीं माणक चौक थाने के 8 जवान हर समय मंदिर की सुरक्षा में मुस्तैद रहते हैं। इस मंदिर की एक और विशेषता ये है कि ये एकमात्र मंदिर है जिसमें मां महालक्ष्मी के 9 रूप विद्यमान हैं, जिसके दर्शन और आराधना करने के लिए श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं। बहरहाल अगर आपको भी कलयुग में सतयुग का कुबेर का खजाना देखना है तो रतलाम के माणिक चौक के इस महालक्ष्मी मंदिर में जरूर आइए। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, रतलाम।